बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट शबाना इशफाक। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फ्राइड फिश, और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 किलो फिश, 2 चमचे लहसुन और 1 चमचा अदरक का पेस्ट, 5 हरी मिर्चें उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और 1 कटोरी बेसन, 2 चमचे धड़ा मिर्च, और ये मैंने अपना मसाला बनाया कर रखा हुआ है फिश का, जिसमें अजवाइन, अमचूर और हल्दी, मिर्चे, ये सब मैंने डाल के, और साबुत धनिया मिक्स करके मैंने हल्का हल्का ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ है अपने घर का मसाला। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे, अभी हम हाफ डालते हैं, जितने हमें ज़रूरत होगा और डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा होगा। और ये 4 हरी मिर्च, 4-5 जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो मैंने मसाला अपना बनाया था और धड़ा मिर्च, ये इसमें हम डाल देंगे। और याद रखिएगा, ये फिश को मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह धो के और 1 चमचा नमक लगा के और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैंने इसे रख दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से 1 घंटे के बाद फिर मैंने इसे धोया है। अब इसमें मिला डाल के हमने इसे मिक्स करना है। इस तरह से आप ये फिश बनाएंगे, बहुत अच्छी फिश होगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि इसका गाढ़ा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें इतना अच्छा ये एक पेस्ट सा बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, इसलिए कि मैंने मछली में भी पहले नमक लगा के रखा था। हम लास्ट में इसका नमक चेक करके डालेंगे। अब हम इसमें फिश डालेंगे। और ये आपने इस तरह से मिक्स करना है। जब ये इसमें अच्छी तरह लग जाए, मैंने इसमें लेमन का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि मैंने इसमें पहले ही से अमचूर मिलाया हुआ था, तो पहले से खट्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें मैंने लेमन नहीं डाला। ये देखिए, अब अच्छी तरीके से हमारा इसका मसाला लग चुका है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।
फिर हम मिलेंगे फ्राई की दाल। अब 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए 2 घंटे में कितना अच्छा मसाला इसके साथ रच गया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये हमने इस पे रखा है ऑयल, जरा हम इसे गर्म होने देते हैं। ये अब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप इसे जरा चेक कर लीजिए। अभी ये गर्म नहीं हुआ ऑयल। ये इस तरह से बहुत झटपट बहुत मजे की फिश तैयार हो जाती है। अब देखिए हमारा ऑयल गर्म होने लगा है। अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब आप इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ये हमारी फिश तैयार होके कितनी जबरदस्त लग रही है और कितनी अच्छी इसका कलर आया है और ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला सब कुछ लग चुका है। और ये देखिए कितनी हमारी प्यारी फिश तैयार क्रिस्पी। अब हम इसमें निकालते हैं फिश बन के तैयार होती है। ये देखिए कितनी मजेदार और क्रिस्पी और कितनी सॉफ्ट भी और खाने में भी मजा आएगा। और आप इसे रायते के साथ चपाती के साथ जिस मर्जी के साथ खाएं बहुत अच्छी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और मेरा चैनल रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।